आज हम बनाने वाले हैं छोटे बच्चे के लिए एक कैप यानी टोपी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बता रही हूँ छोटे से कपड़े से हम एक टोपी बनाएंगे। ये आप देख सकते हो, ये डबल फोल्डेड कपड़ा है। तो मैं इसकी लंबाई और चौड़ाई बताती हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 21 इंच इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई बताती हूँ, 17 इंच इसकी चौड़ाई है। ये देखिए यहाँ तक, ठीक है। तो हमें इसकी कटिंग करते हैं सबसे पहले। अब इसके अंदर से हमें 14 इंच का कपड़ा कट करना है, तो आगे हम 2 इंच की पट्टी लगाएंगे। तो इसके लिए हमें 2 इंच कपड़ा कट करना है। पूरी 14 इंच की टोपी बनानी है हमें। ये मैं 12 इंच पे निशान लगाया मैंने, और इस साइड से भी हमें 12 इंच रखना है। इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों 12 इंच तक ही रखनी है हमें। कट कर लेंगे। देखिए, ये मैंने इसको कट कर लिया है। ये जो बाकी का कपड़ा है वो हमें बेल्ट लगाने में, आगे की डोरी लगाने में और थोड़ा कपड़ा फोल्डिंग में लग जाएगा। तो इसको मैं एक बार साइड में रखती हूँ, और ये जो बचा हुआ कपड़ा था इसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है। 2 इंच पे निशान लगाऊंगी मैं यहाँ से। ये देखिए, 2 इंच पे मैंने निशान लगाया है। इधर भी मैं 2 इंच पे निशान लगाऊंगी और इसको इस तरह से गोलाई में कट कर लेंगे। यहां से इसको थोड़ा सा राउंड शेप देना है। मैं आपको इसको खोल के बताती हूँ। देखिए कुछ इस तरह से। अब हमें क्या करना है, इसकी बाउंड्री में एक सिलाई लगानी है, ठीक है। सीधी सीधी सिलाई लगा लेंगे ताकि कपड़ा इधर उधर ना हो, ये कपड़ा किसके जाने और हमें प्लेट्स डालने में आसानी रहेगी। सिलाई करते हैं इसकी। ये देखिए, इसकी बाउंड्री में सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने इसकी पूरी बाउंड्री में सिलाई लगा दी है। इधर से हमारा बंद भी था, अगर खुला हो तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। अब हमें इसको क्या करना है, इस तरह से फोल्ड करना है, ठीक है। इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे बीच में कट लगाएंगे ताकि हमें इसका निशान का अच्छे से पता चल सके कि हमारा बीच का सेंटर यही है। तो हमें क्या करना है, यहां से सलवट डालना स्टार्ट करनी है। यहां तक हमें इसमें छोटे छोटे सलवट डालने हैं, और इधर से भी हम सलवट डाल के यहां तक सलवट डालेंगे। तो सबसे पहले हम सलवट डालना स्टार्ट करते हैं। इस कपड़े को हमें इस तरह से पकड़ना है और इसके नीचे इस तरह से छोटे छोटे प्लेट्स डालते जाएंगे। थोड़ा सा छोड़ते हुए डालेंगे, इतना सा यहां से आगे से थोड़ा सा छोड़ देंगे। ये देखिए, बीच का सेंटर यहां तक आ गया है। तो मैं इसको यहां तक बंद कर दूंगी इस तरह से। अब हमें इस साइड से सलवट डालना स्टार्ट करेंगे। इस साइड से सेम इसी तरीके से, यहां से मैंने आपको बताया था थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ देंगे। ये देखिए, मैंने इसमें इस तरह से सलवट डाल लिए हैं, ये आप देख सकते हो। मैंने पूरे में सलवट डाले कुछ इस तरीके से। अब हमें इसके लिए यहाँ पे पीछे लगाने के लिए पट्टी कट करनी होगी, और यहाँ पे हमें 2 इंच की पट्टी, मैंने बताई थी आपको 2 इंच की पट्टी लगाएंगे यहाँ पे भी। तो सबसे पहले मैं पट्टी कट करती हूँ। ये कपड़ा हुआ है जो हमारा बचा था, वो कपड़ा है, 2 इंच की पट्टी कट करेंगे। ये पट्टी हम नाप के देखते हैं कितनी बड़ी पट्टी है। देखिए, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। इसे हमें 30 इंच तक ही रखना है, इसकी लंबाई 30 इंच तक ही हमें ये पट्टी रखनी है, बाकी एक्स्ट्रा पट्टी को हमें कट करना है, ठीक है। ये वाला एक्स्ट्रा कपड़ा है, ये बाद में नीचे इसके अंदर छोटे छोटे फ्लावर बनाने के काम में आएगा। ये कपड़ा मैं एक बार साइड में रख देती हूँ, ठीक है। और ये वाली पट्टी हमारी कट हो चुकी है, 30 इंच इसकी लंबाई है, 2 इंच चौड़ाई है, ठीक है। ये वाली पट्टी हमें यहाँ लगानी है। ये देखिए, ये जो प्लेट्स डाले हैं वो प्लेट्स पे नहीं लगानी, यहाँ पे जो ये प्लेन कपड़ा है वहां पे हमें ये पट्टी लगानी है। और यहाँ पे ये जो प्लेन कपड़ा है जहां पे हमने सलवट नहीं डाली, यहाँ पे हमें 3 सलवट डालने हैं, थोड़ा थोड़ा गेप छोड़ के इस तरह से। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, सलवट डालते समय भी बता दूंगी, ताकि क्या इसमें बच्चे को पहनने में आसानी रहे। ये सलवट डालेंगे, ये वाली पट्टी हमें यहाँ लगानी है,
इसके ऊपर लगानी है, इस तरह से फोल्ड करके और इस तरह से लगानी ताकि ये आगे बच्चे के बांधने में डोरी काम में आ सके। अब हमें इसके ऊपर पट्टी लगाने के लिए भी हमें एक पट्टी कट करनी होगी, क्योंकि ये सलवार जो एक्स्ट्रा कपड़ा है दबाने के लिए हमें यहाँ पे एक पट्टी कट करनी होगी। जो मैंने आपको बताया था कि 2 इंच चौड़ी हमें पट्टी बाद में लगाएंगे, तो हमने पूरा कपड़ा 12x12 का लिया था, तो इसके अंदर हमें 2 इंच एक्स्ट्रा जोड़ना है ताकि हमें 14 इंच की कैप बन सके। इसके लिए मैं 2 इंच का कपड़ा कट करूंगी। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा था हमारा, ये वो वाला कपड़ा है, ये वाला नाप हमें लेना है। इसकी लंबाई करीब 12.5 इंच है, ये आप देख सकते हो 12.5 इंच तक आएगी इसकी लंबाई, 13 इंच मान लो सॉरी, इसकी लंबाई 13 इंच तक आएगी। ये देखिए, तो हमें 13 इंच की पट्टी कट करनी है इसके अंदर। ये वाली डिजाइन के मैं टोपी में आगे की साइड में रखूंगी, ये कपड़े में थोड़ी सी डिजाइन दी हुई है। अगर आपके पास डिजाइन का कपड़ा नहीं हो तो भी चलेगा। देखिए हमारा 13 इंच यहाँ तक आ रहा है, ये मैं निशान लगा देती हूँ। ये 2 इंच की है, तो ये वाली पट्टी हमें 4 इंच की लेनी है, डबल करनी है। डबल फोल्ड में ये 4 इंच की हो जाएगी और सिंगल में ये 2 इंच की रहेगी। तो मैं यहाँ से 4 इंच पे निशान लगाऊंगी। देखिए इस तरह से मुझे ये सिंगल पट्टी कट करनी है इसमें से। ये देखिए, सबसे पहले हमें ये वाली पट्टी लगानी है जो हमने 4 इंच की कट की थी। तो सबसे पहले हमें इस पार्ट को उल्टा रखना है यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ से हमें इसके अंदर अंदर सिलाई लगानी है। अगर कपड़ा एक्स्ट्रा हो तो भी आप काट सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बस छोटा भी रहना चाहिए। अब ये वाला कपड़ा हमें, इस कपड़े को हमें इस तरह से ऊपर की साइड फोल्ड करना है, वो हमें अच्छे से फिनिशिंग के साथ में करना है। ये देखिए मैंने ये वाली पट्टी लगाई है, ये आप देख सकते हो। अब हमें इसके पास एक डबल टांका लगाना है, टैक और लगा देंगे ताकि इसको अच्छे से सेट हो सके। ये देखिए मैंने इसमें डबल टांका लगाया है, ये आप देख सकते हो। अब हमें इसके नीचे डोर लगानी है, ये वाली, ये सुरेश ये वाला कपड़ा है, इसको हमें क्या करना है, डबल करना है इस तरह से। ये वाला बीच का पार्ट है, यहाँ पे हम कट करेंगे ताकि केप के दोनों किनारे बराबर हो। इन दोनों को बराबर करके यहाँ से और यहाँ पे मैंने कट लगाया। अब ये जो पार्ट है छोटा सा कट भी लगा सकते हो इस तरह से, बीच में मैंने इसके कट लगाया ताकि इसका बीच का सेंटर का पता चल सके। देखिए इसके बीच में हम इन दोनों कपड़ों को रख के और इस तरह से रखेंगे। और यहाँ पे हमें बीच में छोटे छोटे सलवट डालने हैं, 4 सलवट डालने हैं पीछे की साइड में। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ते हुए हम 4 सलवट डालेंगे। देखिए इस तरह से, यहाँ तक मैंने एक बार एंड किया है। अब हम सेम इसी तरीके से इधर से वापस स्टार्ट करेंगे। 2 सलवट इस साइड डाल लिए, 2 सलवट मैंने इस साइड डाले हैं, देखिए 1 और ये 2, 2 सलवट हमें इस साइड में भी डालने हैं। ये देखिए मैंने इसमें भी यहाँ पे सलवट डाल लिए हैं। ये हमने अंदर अंदर की सिलाई तो हमने कर ली है दोनों साइड की। अब हमें ये जो कपड़ा है उसको यहाँ से सेट करना है। देखिए इस तरह से दोनों साइड से मैं इस तरह से फोल्ड करूंगी इसको। आप इसमें थोड़ी पतली डोरियां भी रख सकते हो। डोरी आप अपने बच्चे के गर्दन के हिसाब से रख सकते हो कि आपके बच्चे को कितनी लंबी डोरी चाहिए, छोटी या बड़ी भी कर सकते हो अपने हिसाब से। इस तरीके से हम इसको अंदर तक दबाते जाएंगे।
देखिए टॉपी बन के तैयार है। टॉपी बन गई है हमारी, तरह से ये टॉपी बन के तैयार हुई है, ये आप देख सकते हो। अब ये वाला जो कपड़ा था उसका हमें यहाँ पे छोटे छोटे फ्लावर बनाने हैं। अगर आपको डिजाइन के फ्लावर बनाने आते हो तो आप वो भी बना सकते हो, बट मैं आपको सिंपल आसान सा एक फ्लावर बना के बताती हूँ। इस कपड़े को इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर हमें इस कपड़े को रखना है और यहाँ पे एक सीधा टांका लगाना छोटा सा, फ्लावर इस तरह से दिखेगा और आप इसको इस तरह से गोलाई में कट कर लीजिए। सेम इसी तरीके से हम इस पे भी ऐसे ही बनाएंगे। ये कैप बन के तैयार हो गई है, ये आप देख सकते हो सुंदर सी टॉपी बन के तैयार हो गई है। इस तरीके से एकदम आसानी से ये सर के अंदर रहेगी और ये कॉटन का कपड़ा है, ये बच्चे को चुभेगा भी नहीं और इससे क्या बच्चों के बाल वगैरह जल्दी से उतरते भी है और बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी ये कैप है, तो आप जरूर ट्राई करके देखिए। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही बेल बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिलती रहे। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।